हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पिंडी रिएक्शन। आज फिर एक और वीडियो आपके साथ मिलकर देखने के लिए आपके सामने मौजूद मैं लुकमान और मैं हूं आदिल। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करेंगे वो है डेडलीस्ट गोरखास। तो कमांडर देंगे गोरख रेजिमेंट जो है इंडियन आर्मी की, ये उसके ऊपर वीडियो बनी हुई है आई थिंक। ओके, तो क्योंकि गोरख रेजिमेंट है ना, फिर से कोई मिलिट्री वीडियो आज देखने लगे। काफी टाइम हो गया। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या स्पेशलिटी है इनकी। 1, 2, 3, go। अगर कोई ये कहता है कि उसे मौत से डर नहीं लगता तो वो या तो झूठ बोलता है या फिर वो एक गोरखा है। गोरखा न सिर्फ दोनों वर्ल्ड वॉर्स में लड़े हैं बल्कि आजादी के बाद से भारत के हर सैनिक अभियान में इनका बड़ा योगदान रहा है। इन्हें बहुत सारे वीरता पुरस्कार मिल चुके हैं जिनमें परमवीर चक्र और महावीर चक्र भी शामिल हैं। गोरखा आमने सामने की लड़ाई में माहिर होते हैं और इनकी खुखरी दुश्मन का काम तमाम कर देती है। आयो गोरखाली मतलब है आ गए गोरखा। ये हुंकार सुनते ही दुश्मन की रूह कांप जाती है भले ही वो दुनिया के किसी भी देश का हो। चाकू स्पेशलिटी, चाकू वो उनकी राइफल है ना स्पेशली। सीने में आग भरे और हाथ में फौलाद थामे हर गोरखा सैनिक जंग के 21 प्राणघातक मूव सीखता है जो सदियों से चले आ रहे हैं। ये एक ऐसी विरासत है जो कई पीढ़ियां पार करके 21वीं सदी तक चली आई है। ये जब स्लैशेस, स्टैब्स, कट्स और फुटवर्क की प्रैक्टिस करते हैं तब ऐसा लगता है जैसे तबाही का तांडव कर रहे हो। इन मूव्स की बदौलत ही ये गोरखा वीर किलिंग मशीन माने जाते हैं। खुकरी गोरखा युद्ध परंपरा की जान है। कई सौ साल से खुकरी हाथों से ही बनाई जा रही है। गर्म दहकते लोहे को पीट पीट कर आकार दिया जाता है। इसके बाद इसे वो खास कर्व दिया जाता है जिसकी बदौलत खुकरी दुश्मन के लिए काल बन जाती है। आखिर में इसे ग्राउंड करके पॉलिश किया जाता है। बेहद तेज धारदार खुकरी कारीगरी का बेमिसाल नमूना है। हैंडमेड है सारी। इक्कीसवीं शताब्दी की इन्फेंट्री टेक्निक्स और आधुनिक हथियारों के बावजूद गोरखा बहादुरों की घातक खुकरी हमेशा उनका सबसे भरोसेमंद हथियार होती है। इस प्लटून पर भारी गोलीबारी हो रही है। दुश्मन ने ऊंची जगह पर मोर्चा संभाल रखा है। ऐसे में उसे जवाब दे पाना आसान नहीं है। लेकिन हमले का ऑर्डर मिलते ही गोरखा जांबाज आंधी तूफान की तरह दुश्मन पर टूट पड़ते हैं। जख्मी भाइयों की देखभाल बाद में की जाएगी। पहले दुश्मन का काम तमाम करना है और ये काम तो किसी भी कीमत पर होगा चाहे कुछ भी हो जाए। अब होगा जानलेवा हमला। खुकरी का सटीक वार। गोरखा दुनिया के सबसे खतरनाक वॉरियर्स में से एक। ओके, डेंजरस, देखने में खतरनाक लगते हैं यार। इनकी ट्रेनिंग बड़ी हार्ड हुई भी होगी अगर उनकी इतनी मूव्स और वो, क्योंकि ये स्पेशलाइज पर्सन टू पर्सन हाथ की लड़ाई में, तो उसमें तो बहुत ज्यादा स्किल्ड। ये राइफल के बगैर होते हैं, गन्स के बगैर नहीं। ये स्पेशलिटी उनकी ये है ऑब्वियसली। गन और गन तो मस्त है, मतलब एडवांस एम्यूनिशन है वो तो होता ही है, लेकिन क्योंकि उनकी स्किल्स ये है कि जब पर्सन टू पर्सन फेस टू फेस फाइट में उनकी स्पेशलिटी है, तो जो जो इस तरह की स्पेशलिटी उनको फिर बहुत ज्यादा स्किल्स सीखने की जरूरत होती है। बहुत ज्यादा एक्टिव होना होता है और बहुत ज्यादा हाथ की स्किल्स बहुत ज्यादा होती हैं, तो वो उस सारे वो बता रहे थे ना 21
खास तकनीकें वो सिखाई जाती हैं उनको, इंक्लूड होती है। तो वो एक काफी ट्रेडिशनल टाइप फोर्स लगी है मुझे, वर्ल्ड वॉर्स में लड़ती रही है, मतलब ये काफी टाइम से चलती आ रही है इसी पैटर्न पर। बिल्कुल, मतलब ये ऐसी नहीं है कि आपकी स्टेट इसको ट्रेन करती हो या किसी तरीके, मतलब एक बहुत अरसा पहले से एक हिस्ट्री चली आ रही है। इनका टूल भी इसीलिए इतना पुराना वाला है, उसको चेंज नहीं किया, उसी में एक्सपर्टीज हासिल की है लोगों ने। बिल्कुल, क्योंकि ये काफी पुराने तकरीबन 100-200 साल से चल रहा है। एग्जैक्टली, तो उसी एक हिस्ट्री को आगे लेके चला है, और टूल तक नहीं उन्होंने चेंज किया अपना। बिल्कुल बेस्ट है यार, बहुत मजे की लगी मुझे तो देखने में ये। तो अच्छा, आर्मी ये इस तरह की जो भी फील्ड होती है ना, ये वैसे ही बहुत बहुत अट्रैक्ट करते हैं इंसान को, क्योंकि ये एक बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव चीज है, अट्रैक्टिव फील्ड है, बहुत रिस्पेक्टफुल भी है और बहुत अट्रैक्टिव भी फील्ड है, तो ये हमेशा ही अट्रैक्ट करती है इंसान को। वो मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई आम बंदा रिक्रूट हो सकता होगा, काफी ट्रेनिंग चाहिए बचपन से ही। बचपन से तो नहीं, मतलब जो फोर्सेस में पहले लोग आते हैं उनमें से फिर फर्दर वो फिल्टर करते होंगे, जो स्पेशल फोर्सेस होती हैं उनके लिए फर्दर फिल्टरेशन एक प्रोसेस होता है, और उसके बाद कुछ लोगों को चूज किया जाता है। हार्डलिंग काफी हार्ड है ये वाली ट्रेनिंग हासिल करना, क्योंकि आपको बड़ा ट्रेडिशनल होना पड़ता है इसके लिए, वही मूव्स और वही हैंड टूल यूज़ करना, वो तो सारा वो मतलब एक मतलब इसकी ना बाकी जो जितने भी फोर्सेस हैं उन सबसे अलग है ये, मतलब एक सिलेक्शन प्रोसेस होता होगा ना उसमें, और उसके बाद जो उनको लगते होंगे कि ये उस फील्ड में जा सकते हैं उनको लेकर दोबारा उन्हें ट्रेन किया जाता होगा उस स्पेशल के लिए, और फिर जाके ये बनते होंगे। सही, सो यहाँ तक ये चीज़ें इस वीडियो को देख के हमें समझ आई है, बाकी कोई चीज़ हमने मिस कर दी हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि क्या रह गया है और क्या स्पेशलिटीज हैं, कि कहाँ कहाँ पर ये ऑपरेशनल है, मतलब किस किस मिशन के लिए यूज़ की जाती हैं ये फोर्सेस। एग्जैक्टली, हर फोर्स का अपना एक स्पेशल मिशन होता है ना। जैसे हमने देखा था NSG थे, पैरा कमांडोज थे, वो एक स्पेसिफिक मिशन के लिए यूज करते थे। कोबराज भी देखे हमने, सारी देखी है मेरे ख्याल से, काफ़ी हद तक हमने देखी। बिल्कुल, ओके, तो आप इनके बारे में अगर कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर ऐड करें, अगर कोई ऐसी वीडियो है जो आप हमें हमारे साथ मिलकर देखना चाहते हैं तो हमें जरूर सजेस्ट करें। बिल्कुल, हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को रिंग करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियोस हासिल कर सकें, और अगर आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम कुछ और वीडियोज के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।